अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुल्फिकार शाह। इस वीडियो के बनाने का एक मकसद ये था कि आपकी मालूमात में मज़ीद में इजाफ़ा करूँ कि दरिया सिंध यानी इंडस रिवर जो खुशलगढ़ पुल के आसपास जो दरिया बहते हैं, तो यहाँ से लेकर शकरदरा तक जो एरिया है, तो यहाँ एक अरसे से सोना निकालने का काम होता रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में गजटीर में भी इसका जिक्र है कि कितना सोना निकाला जाता था। अभी एक हैंड आउट जो रीजनल इंफॉर्मेशन ऑफिस की तरफ से जारी हुआ है, हैंड आउट नंबर 408 के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहार्ट ने, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, डिप्टी कमिश्नर कोहार्ट ने पाबंदी लगा दी है और 60 दिन के लिए पाबंदी लगाई है कि जो लोग शादीखेल चोड़लक्की और शकरदरा के जो इंडस्ट्री रिवर के साइड पे हैं, वहाँ जो सोना निकालने रेत से सोना निकालने का जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। कुछ दिनों पहले कोहार्ट का जो मादियां ऑफिस है उनके ऑफिसर्स ने वहाँ विजिट भी किया था और गैर कानूनी तौर पर यानी बिला इजाज़त वहाँ सोना तलाश करने या निकालने या माइनिंग के हवाले से उन्होंने जो पाबंदियाँ रखी थी तो उन्हें छापा लगाया। वहाँ कुछ बदकलामी भी हुई और आपस में लड़ भी पड़े थे, उसका भी एक केस रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन उसके बाद भी फिर ये अमल जारी रहा। तो ज़िले इंतज़ामिया ने फैसला किया कि इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। इससे पहले भी एक जो सूबाई वज़ीर मादनियात थे, अभी तो निगरान हुकूमत आ गई है, उन्होंने बयान जारी किया था कि हम अटक के यानी इंडस रिवर के दोनों साइड, अटक की तरफ से भी यानी ज़िला अटक और कोहाट की तरफ से तहसील सीनी गुमड़ की तरफ से हम पाबंदी लगा रहे हैं कि कोई भी सोने का काम तलाश का काम ना करें, ये इलीगल है। सोना निकल रहा है दरियाई सिंध में अटक के मकाम पे, तो उस पर हमने कहा है चीफ सेक्रेटरी खैबर पुख्तनख्वा और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी अटक जिले के, ताकि वो स्ट्रेट अवे उसको रोके। मैंने मेरे साथ वीडियो हैं, तकरीबन 125 वो वहां पे और वो और निकल रहे, और उस पे पहले चाइनीज वो करते थे, उसको तो हम वो रोक दिया गया था। अभी ये कोई पता नहीं कौन से हैं, कब्जा माफिया जो भी है जो, लेकिन उसकी बाकायदा लीज निकले ताकि हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वो कर सके। तीसरा एक सोना कितना निकलता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक वीडियो मैंने बनाई थी कुछ 4-5 साल पहले कि चोरलकी के आसपास जो एरिया है जहाँ मैंने वीडियो बनाई थी कि यहाँ माजी में सोना निकालने का काम होता रहा है, और अंग्रेज़ों ने भी इस तरफ तवज्जो दी थी और अंग्रेज़ों ने ये अपने गजटीर में लिखा था कि कितना सोना निकलता है। वो इसका उसके आदतशुमार में बता दूँ, असल दरसिन बुशन तो पर मशहूर था यो खुदा सदा दे मकमी सुकुम आपाशी वाल निज़ाम दा अखदी परा और द्वैम दास अंग्रेज़ानों खुल जमाने की दो मैंने तहकीक करे चोरलकी साइड में थोड़ा दरिया था देखे दारा सोना था प्योर चुकुम सोना था आवो दोता मिलेगा आज सुने में दार दारा जैत हो चुकुम दे मखड़ वाला मशर हो ना दो बने टैक्स की खाओ टाइम अंग्रेजानों लोगों ने मख के अंग्रेजान आलू अहो खबर लू नौ आखा टैक्स आहो बरकरार सतलो मखड़ वाला चुकुम फिर से वो आवो दू मकमी खलकुना टैक्स हिस्सो और अंग्रेजानों वो मखड़ शरीफ ना नुदा सिलसिला काफी अरसे तक जारी हुआ आगना बाद बेचूस लू सदा चुकुम दे सुनी वाला तलाश वाला सिलसिला था और बे मुनकतश लला होटल कम खल का पता था वशुना सद सिंह की मगरमच मख की बे मगरमच नस्ल खत्म चलो या हो अहो हिफाजत न चलो या आहो मुड़कड़ू आगन बाद आगन सब खत्म चलो जय अंदाज से मशहूर हूँ सोने दे पड़ा सोने डेढ़ अरसे पूरे दाना सोना चक होटल की था आ सोना ओस नौ बजे या होटल खा को मालूम नहीं था या अगर सनत ना ओस जान किनारा कष्ट को आजाद से मेहनत जैत हो और सोना कम सूरत में मिला हो। ये वीडियो जो आपने अभी देखी है ये असल में कुछ 5-6 साल पहले मैंने रिकॉर्ड की थी चोरलकी इंडस रिवर के किनारे, और उसमें मैंने जिक्र किया था पशुओं में ये रिकॉर्ड की थी और उसमें जिक्र किया था कि कितना सोना इंडस रिवर के किनारे रेत में मौजूद है, और माजी में ये तलाश का काम होता था अब नहीं है। उसके बाद फिर इस वीडियो के आने के बाद फिर तलाश का काम शुरू हुआ और इस तेज़ी से हुआ कि और काफ़ी लोग मालामाल भी हुए इसमें, यहाँ तक कि इतनी सारी जदीद मशीनरी आ गई हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि जब तक लीज ना हो तब तक कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। इस हवाले से अब मज़ीद वीडियो में आपको बताऊंगा कि तारीख़ एक्वायर्ड डिवीज़न किताब में मैंने इसके हवाले से क्या जिक्र किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी किताब है तारीख़ एक्वायर्ड डिवीज़न जो आज से 30 साल पहले शाये हुई थी सन 2000 में, तो 30 साल इसके गुजर गए। गजेटियर जो 1883 में जारी हुआ था उसमें ये मेजर हस्टंग जो वहाँ मकामी मजर जिसने गजटियर लिखा था उसने जिक्र किया है कि जो रिपोर्ट ने दी थी
कि 30 तोला सोना ये हासिल करते हैं एक ट्रेक के जरिए, एक ट्रेक के जरिए ये 30 तोला सोना हासिल करते हैं, जिसकी मालियत यानी उस वक्त 1883 में 480 रुपये बनती थी। उस ज़माने 480 रुपये की काफ़ी वैल्यू थी, अभी तो सोना भी 2 लाख से ऊपर हो चला गया। और ये तमाम अखराजात को अलग करने के बाद 30 रुपये फी ट्रे के हिसाब से उनको मुनाफा मिलता था, जिनमें 5 रुपये और एक माशा सोना इजाफी शकरदरा के जागीरदार को बतौर टैक्स अदा करना पड़ता था, इतना सोना निकलता था। मगर क़याम पाकिस्तान के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अच्छा, कोई 20-22 साल पहले जब तहकी के नाम से मेरा हफ्तरोज़ अखबार था यहाँ कोहाट में, इसके ऑनर सैयद शाह मरहूम थे अल्लाह बख्शे, उनका हाल ही में इंतकाल हुआ, तो उसमें मैंने उसमें एक स्टोरी मैंने बनाई थी कि जो पानोबा का इलाका है, ढोक शेर खान है जो चोलगी के साइड पे, तो वहाँ मैं गया था और वहाँ सल्फ़र के गंदे के पानी के, मतलब वहाँ पानी और पेट्रोल मिक्स हैं, निकल रहे हैं और गैस की काफ़ी मिकदार है। अंग्रेज़ों ने भी अपने जो गज़टियर उसमें भी लिखा था और उसके ऊपर मेरी वीडियो आई हुई थी, काफ़ी लोगों ने देखा। और उस कोई 4-5-6 साल पहले वहाँ सोना निकालने का काम नहीं था, लेकिन 4-5 साल के बाद यानी पहले ये काम बहुत तेज़ी से शुरू हो गया और इसके ऊपर फ़िलहाल ज़िले हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं थी। लेकिन हाल ही में जब सबका हुकूमत में निगरान हुकूमत से पहले एक सूबाई वज़ीर ने ऐलान किया था कि हमने ज़िला अटक और क्वार निज़ामी को कहा है कि यहाँ इलीगल जो माइनिंग है या सोने की तलाश है उसका काम बंद किया जाए, तो कोहाट पहले हम सुनते रहे कि तेल और गैस की दौलत से मालामाल है, अब ये सोने की दौलत से भी मालामाल हो गए हैं और पाकिस्तान के लोग रेकोडिक का नाम लेते हैं, उनको जानते हैं, लेकिन अभी नाम आएगा इंडस रिवर के किनारे कोहाट का नाम आएगा कि सोने के लिहाज से कोहाट किस कदर आ गए, इसका जिक्र बाकायदा गजटीर में भी जिक्र है। अंग्रेज़ों ने भी इसके ऊपर काम किया है, बाकायदा अंग्रेज़ से कबल भी यहाँ ये काम होता रहा है और इसके अभी पाबंदी लगी है और ये पाबंदी 60 दिनों के लिए बरकरार है और इसके लिए ये दफ़ा 188 हमने नाफिज़ किया। अब देखते हैं कि कब तक ये दफ़ा रहता है और इसको लीगल तरीके से आगे कैसे बढ़ाते हैं, अगर इसको लीगल किया जाए या यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो लाइसेंस लें जैसे लीगल तरीके कह रहे हैं और उसके बाद सोने की तलाश शुरू करें, तो उम्मीद है कि मकामी लोग काफ़ी खुशहाल होंगे इस मद में और हुकूमत को भी कुछ रेवेन्यू टैक्स की सूरत में मिलेगा। जज़ाकल्लाह।